संक्षिप्त में रुवा के बताओ तानी, या बाकी हम गाय घाट में रुकल बानी, कल दिन भर जे रुकल तो कोनो घबराहट नहीं खे। आप में से जो व्यक्ति कल मिलना चाहते हैं, परसों मिलना चाहते हैं, तो अभी हम तो यही हैं। कोनो ऐसा नहीं खे कि आज अनी अब भाग कल चल जाए पटना दिल्ली भेंट ना हो। 52 ज्यादातर आदमी सोच रहा हूँ कि भाई के हवन प्रशांत किशोर और काहे पदयात्रा काहे कर रहा बा। रहुआ आज तक तो यह जाना था नहीं कि भाई नेता जे बा दल बनावेला, रहुआ से वोट मांगे आवेला। चुनाव के समय में कोई आई, कोई चुनाव से थोड़ा पहले आई। हम नेता हई ना, चुनाव अभी बा ना, हम रहुआ से वोट मांगत नहीं थी, रहुआ से चंदो नहीं थी मांगत, और अपन नाम के कहीं झंडा बैनर पोस्टर भी नहीं थी लगैले। गांधी जी के फोटो लागल बा ऊपर, आ जन सुराज कोनो दल हो ना, तो पदयात्रा काहे कर रहल बनी। पदयात्रा ऐसे कर रहल बनी, हमने साधारण परिवार के बिहार के में जन्म भइल बा। हमार दादा बैलगाड़ी चलावत रहन, मजदूर रहन, आ बाबूजी डॉक्टर रहन। हम कोनो मंत्री विधायक के लड़का हई ना, ऐजे सरकारी स्कूल से पढ़ लिख के आदमी आगे बढ़ गई। भगवान का कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए, वहाँ 10 साल नौकरी किए, भारत में किए, अमेरिका में रहे, फिर अफ्रीका में रहे। लेकिन वो सब काम करके जब बिहार लौट भारत लौटे 2011 में, तो जोन रो अभी परिचय से हमारा बारे में जाना था नहीं कि चुनाव जिताने जिताते हैं कि जिसके साथ जाते हैं उसको चुनाव जिता देते हैं। 10 बरस वो काम किए, अब बहुत आदमी जिसका हाथ पकड़े सब जीत गया चुनाव, सब नेता जीत गया, दल जीत गया। लेकिन 2021 में जहिया बंगाल और तमिलनाडु जितनी, वही दिन सार्वजनिक घोषणा कैले बनी 2 वर्ष पहले कि अब जीवन में काम नहीं करे के। अब रुआ बुझे समझे चाहिए कि भाई आखिर जो काम करके इतना नाम कमैले बनी, बड़ा बड़ा देश का नेता जिसको आप देखते हैं वो हमारे साथ उठता बैठता है, और मीडिया आपको बताती है कि उस काम को करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया मिलता है। 2-4 करोड़ दो चार 10 लाख ना, सैकड़ों करोड़ रुपया लोग देता है। काम छोड़कर है गली गली पैदल काहे घूमता नहीं। हमारा घर वाला आदमी भी सब भी कह रहा है कि काहे पगला गिल बड़ा, क्या कर रहा बड़ा भाई, पैदल इसलिए घूम रहे हैं, काम को इसलिए छोड़ दिए। देखे 10 साल बहुत नजदीक से नेताओं को, दलों को, नेता और दल के जीतने से जनता नहीं जीतती है। रउआ हमरा बुझा ला कि हमार नेता जीत गई, हमार पार्टी जीत गई, रउआ जिंदगी में उसे कोनो फर्क ना पड़ी। जे नेता जीत गई अपन ऊपर बढ़ गए, रउआ आप जहां बानी हो जे रही, ये अनुभव किया 10 साल, तो तय किए कि अगर भगवान कुछ शक्ति बुद्धि हमको दिए हैं तो ऐसा काम करें जिससे सही मायने में जनता जीते, जनता के जीवन में परिवर्तन आए, इसीलिए वो काम छोड़ दिए। अब छोड़कर ही पदयात्रा कर रहे, इसलिए कर रहे हैं कि इसी मिट्टी में, इसी बिहार की मिट्टी में हम लोग का भी जन्म हुआ है, यहीं पर पले बढ़े। जब बाहर से आते हैं देखते हैं जो बिहार में गरीबी है, बदहाली है, अशिक्षा है, इतना ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते, आप लोग तो भुगतिए रहे हैं। तो हमको ऐसा लगा कि अरे भाई, अगर हमको भगवान शक्ति बुद्धि दिए हैं, अगर हमारे ऐसा आदमी इसको सुधारने का प्रयास नहीं करेगा तो किसका हिम्मत पड़ेगा बिहार में। यही से सब काम छोड़ के जाहिल बनी, और दल नहीं बनाई ले, वोट नहीं मांगत। बहुत आदमी कहत हैं कि भैया दल बना ले ना, एकरे कमी रहे, विकल्प हमने के खोजत रही जा रहे, आ गई बनी दल बना ली। लेकिन दल नहीं बनाए, दल बनाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत नेता सब चुनाव हराए जीते, वो सब मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अब जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक दल बनाने से, चुनाव जीतने से बिहार को नहीं सुधारा जा सकता है। देखिए 50 वर्ष में सब आदमी ने कोशिश कैलस, पहले कांग्रेस कैलस, लालू जी कैनी, नीतीश जी कैलन, मोदियों के हमने के वोट दे के देख लेनी जा, कुछ बदला था? बदलत ऐसे नहीं थे कि जब हम अरुआ ना बदलब तो कोई नेता बदल दी। आदमी 5 वर्ष बैठ के बतियावत रहन कि कितना बिहार में भ्रष्टाचार बा, पढ़ाई नहीं खे, रोजगार नहीं खे, खेती नहीं खे,
उद्योग के कोनो फैक्ट्री नहीं खे, रोड खराब बा, अजहिया घोटवा होता उदिन बतिया सब भुला जाता। ओ दिन आदमी अपन जात देखता, ओ दिन आदमी हिंदू मुसलमान देखता। आ कुछ आदमी बान जो कहता कि कतनो खराब बा नीतीश कुमार भाजपा, लालू के जंगल राज ना लौटे के चाहे। चलो रे भाई दे दें के गरियाइयो के आदमी देता तो दे देता वोट भाजपा के, एनडीए के। आप हमने के जो मुसलमान भाई लोग बा तो वो लोग कहता कि भैया कतनो लालटेन खराब बा तो भाजपा के तना ना दिया जाए, चलो लालटेन के दे दो। तो हमने के पांच बरिस जन बतियावत नहीं जान जन रोवा ज्ञान बा, वोट के पे तो ओकर असर पड़त नहीं के। देखी रहा लोकसभा के एमपी जब पांच बार से जीत तड़ा जो है जा तनी आदमी कहता बा उनका तो बातें मत करी कुछ कामे ना करस। आ फिर उनका के रोवा भोटो देता नहीं, अगर रोवा वोट देते नहीं तो पांच बार से जीतो कैसे बालन रोवा ये बता दी। हम 52 दिन से चलता नहीं, जहां जाता नहीं आदमी ये कहता ए भैया है खराब बा, हो खराब बा, नेता बदमाश बा, चोर बा, ठग ले लो। हम धीरे से पूछा तेने अच्छा बताओ तो विधायक जी कितना बार जीतल बा, तो भैया चौथा बार। अरे तो दोनों बात कैसे होता रे भाई, एक और कहता कि कमो नहीं खन करत और दूसरा बार चार बार पांच बार जीताओ। यह बिहार के रोग के मेन दुर्गति यही दशा बा जो है, उसके मन से डर खत्म हो गया है कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको चुनाव हरा देगी। वो अपना घर में बैठ के गन्ना करके नेता बैठल बाड़ा सब कि कतनो जनता खिसिया जाओ, कतनो गाड़ी दे देओ, चुनौवा आई तो फिर हमरे के दीहन। कतना लोग तो यो बताओ था कि विधायक जी क्या कैल रही एजा नहीं दूसर जगह, कहनी कि पूरा मारा मारी हो गई, झगड़ा हो गए तो कलस की भाग आई जा, हमारा के वोट देले बड़ा, मोदी जी के वोट देले बड़ा, ना दिए मोदी के तो हमरो के हरा दिया जा। तो जानते बाकी फिर चुनौवा हो तो मोदी जी के वोटवा मोदी जी के नाम पर वह दे ये दे। एगो ऐजा रक्सौल में बहुत संघ के सीनियर आदमी बाड़न जो संघ के शुरुआत कैलस ऐजा बीजेपी के, तो आयल रहन हमरा से मिले, कहलन ए भैया अगर बिहार के बचावे के बाद तो लालू नीतीश से छुटकारा तो चाहिए तो सबके बुझाता, लेकिन ओकरो से एगो बड़ा रोग बा मोदिया बिंद, ओकरा से कैसहू बिहार के निकाली हम। कहीं मोदिया बिंद का हो तो मोतिया बिंद के नाम सुनले बारी न, मोतिया बिंद, मोतिया बिंद हो जाए ना तो नजदीक के लौकी दूर के ना लौकी, लेकिन अगर मोदिया बिंद हो गई तो दूर के लौकता। बिहार के आदमी के पाकिस्तान लौकता, चाइना लौकता, नजदीक के नहीं खेल ओकरा मोदी जी के 56 इंच के सीना लौकता, आपन लड़का के खैला बिना सीना सिकुड़ गई भाई नहीं खेल लौक। मोदिया बिंद के कमाल बा, हमने के लौकता कि मोदी जी लाल लाल आंख को के चाइना के देखता, वही पर आदमी जाके कमल पे बटन दबा रहा बा। आई नहीं खेल लौकत कि अपना घर के दशा का बा, लैकन के रोजगार नहीं खे। जब तक एकरा से छुटकारा ना मिली, आंख बंद करके गुजरात के हमने के झोला ढो रहल बानी जा, आपन लैका बेरोजगार बैठल बान ओकर वह चिंते नहीं खे तो कैसे सुधरी। आदमी कहता कि लालू के जंगल राज ना आवे के चाही। अरे भाई तो रामनगर में हमारा हजाम भेटाइल रहन तो पूछनी के अच्छा चलो ये बतावो सब चंपारण में कहता कांसिक चंपारण में तो सब भाजपा जीत रहल बा बहुत दिन से कि बतावो कि लालू जी के राज में या नीतीश के राज में एनडीए के राज में क्या फर्क बा। तो कहलस के भैया जनता के खाली बुझे के फेर बा, दोनों में कोनो फर्क नहीं के। जनता के हजामत तो दोनों राज में पूरा पूरा बनाता, फर्क इतने बा कि लालू के जंगल राज में अपराधी हजामत बनावत रहसन आ नीतीश के राज में अधिकारी हजामत बना रहल बस। लालू जी के राज में तो रात में लूट होत रहे, नीतीश के राज में ऐसा बाकी अधिकारी कलम लगा के दिन भर लूटता हो, कोई नहीं है बचो। उमें तो जेकरा भी जिन पैसा रहे ओकर अपहरण होत रहे, में तो गरीबों का अपहरण ओकरो दशा बचत नहीं है। हमारा आदमी बेटा था रोड पर चल 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता, ओहू में 20 रुपया कमीशन काटत। अब ये बताई कि कौन जंगल राज से बेहतर बा, तो जौन जंगल राज के नाम पे लालू जी के हटाई नहीं
आई अप अधिकारी वाला नया जंगल राज बना देनी जा हमनी के। आदमी कहत हम कि भैया ई सब बुझाता, हमनी के उतने दिक्कत बा कि कोनो विकल्प नहीं खे, रउआ दल बना ली। तो हम रउआ से कहे आइल बानी कि मंच पर जे आवेला ना वो ये कहेला कि हमरा के वोट दे दी, हम आई तो ठीक कर दे। हम रउआ से कहे आइल बानी कि हमरा से भरोसा करके वोट दे तो हमरा से तो ना ठीक होई रे भाई। 13 करोड़ आदमी इतना बड़ा समस्या कैसे सुधरी? सुधरी तब जब रउआ जाग। बिहार को सिर्फ बिहार के लोग सुधार सकते हैं। कोई प्रशांत किशोर का ताकत नहीं है कि हम बिहार को सुधार दें। कोई आदमी मंच से खड़ा होकर कहता है कि हम सुधार देंगे तो लिख कर रखिए, दुइये को बात हो सकता है। या तो आदमी मूर्ख है, उसको समझ नहीं है कि समस्या कितना बड़ा है, या फिर सिरे से हमको आपको मूर्ख बना रहा है, जीतने के बाद वो भी कुछ नहीं करेगा। यही से हम ही पद यात्रा कर रहल बानी। ठीक बा, विकल्प बने के चाहिए बिहार में, लेकिन विकल्प प्रशांत किशोर के बनावे से ना होई। गांव समाज से ढूंढ के, समाज को मत के, सही आदमी को निकाला जाए और सब आदमी मिल के विकल्प बनाएगा, तब ना विकल्प हुआ। आदमी को हतन के रवा कैसे बुझाई कि सही आदमी के बा? तो हम रवा के बताओ तनी कैसे सही आदमी बुझाता। घरे रवा दही जमता हमनी के, हाड़ी में दही रखल बा, कटोरा में दही रखल बा, ओमे मक्खन बा लेकिन लौकत नहीं खे। लेकिन वही दही के हम रवा मथ दे तनी जाता, बढ़िया मक्खन निकल जाता। समाज भी वैसे ही है। समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जरूरत इस बात का है कि समाज को मथ कर सही लोगों को निकाला जाए। उसी मथने के लिए पैदल घूम रहे हैं कि समाज की मदद से ऐसे लोगों को निकालें। हजारों की संख्या में लोग निकल रहे हैं। पश्चिम चंपारण में 50 दिन में 5600 से ज्यादा ऐसा आदमी ढूंढ के निकलनी, सर्वे करके आदमी गांवे गांव बताओ तानी कि भैया शिक्षक अच्छा बाड़न, व्यवसायी अच्छा बाड़न, किसान अच्छा बाड़न, इनका के लेकर चलिए आगे। मान ली कि पूरा बिहार से 50,000-1,00,000 आदमी हो गई, सब लोग के एक साथ बैठावल जाए, वो घड़ी सब लोग मिल के तय करे कि दल बनावे के बाद तो बन जाए। दल बनावे में कितना देर लगाता है, एक दिन में बन जाए। लेकिन अगर दल बन भी गया तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, उस दल का नेता प्रशांत किशोर को नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का दल नहीं, किसी परिवार का नहीं, किसी जाति का नहीं, तो बिहार के सब लोगों का दल होना चाहिए, तभी ना बात बनेगा। अब आदमी कहता कि भैया नेता तो रवा पर नहीं पड़ी, बिना मेह के दौरी होला। तो हम रवा के बतावता नहीं कि कतनो बड़ियार बैल के रवा मेह बना दे तो अकेले में दौरी कर ली हो जाए। बिना 4 गो बैल लगेले दौरी होई ना होई? तो हमारा नेता बने से ना बात होई। दल बने, लोग मिलकर बनाए और उसका नेता उस व्यक्ति को बनाए जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है, जिस पर जनता का भरोसा है। ना तो अभी दल कैसे बनाता, हम दल बना लेनी हम ही ओकर नेता हो गई, अपन बाबूजी के फोटो पीछे लगा लेनी या बेटा के सामने बैठा लेनी। अब पूरा कहता नहीं कि हम हो गए नेता, हमारा बाद हो हमारा बेटा आ कुल जाना, तू लोग झंडा लेके ढो जा, ऐसे ही ना बा भाई। ओकरा से बचे के उपाय भाई, जो पूरा प्रयास है जन सुराज, ये आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस को बनाया उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जिसमें समाज के लोग मिलकर दल बनाएं और मिलकर अपने सुरक्षा, अपनी आजादी, अपने गरीबी, अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रयास करें। यही से पैदल पैदल घूम रहा बानी और एकदम संकल्पित है, चाहे 2 बरिस लागी, अभी बताओ तो नहीं कि 2 बरिस लागी, 2 बरिस लागो कि 10 बरस लागो, घर परिवार जितना चीज हमारे पास जीवन में है सब कुछ दाव पर लगाए हैं, बिहार को ये व्यवस्था नया बनाकर देंगे ही देंगे, आप मानिए हर हालत में बनाएंगे। ये ज्ञान की भूमि रही है, ये बिहार अनपढ़ों का, अनपढ़ लोगों का और मजदूरों का फैक्ट्री नहीं है, ये तो व्यवस्था ने हम लोग को ऐसे बना दिया है। 2000 साल का अगर आप भारत का इतिहास देखिएगा तो सबसे प्रतापी राजा, सबसे गुणी
लोग, यशस्वी लोग इसी धरती पर पैदा हुए हैं। भगवान को भी यहां बिहार में आकर ज्ञान मिला। उस भूमि को हम लोग मजदूरों का भूमि बना दिए हैं। बिहार में कुछ नहीं के बनत, बिहार में मोटरसाइकिल नहीं के बनत, सीमेंट नहीं के बनत, छड़ नहीं के बनत, गाड़ी नहीं के बनत, टीवी नहीं के बनत, बिहार में एक चीज बनता। जवान लेकिन के हमने के मजदूर बनावता नहीं जा, पूरा राज्य के मजदूर बनावे के फैक्ट्री बना दी गई बा। जेकरा देश में मजदूर चाहिए कहता जा 100 को बिहार से पकड़ के ले आओ। कोई के खेत नहीं के कटत तो कहता बिहार से पकड़ के ले आओ। कोई के फैक्ट्री बंद हो गई तो कहता बिहार से पकड़ के ले आओ। हमने के पैदा भइल बनी जा सबके मजदूरी करे खाती। यही से सबके हाथ जोड़ के कहता नहीं ये भाई वोट देवे के बात नहीं के, संकल्प ली कि अगला बार वोट किसी व्यक्ति को नहीं, किसी जाति को नहीं, किसी दल को नहीं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट कीजिए। हमने के जीवन तो बीत गए आधा, सब आदमी के जब बैठल बनी जा, कोई 40 के बाद, कोई 50 के बाद, आधा जीवन तो बीत गए ही गरीबी या गुर्बत में। अगर लैकन के भविष्य सुधारे के बाद ऐसे बिहार में अपने बच्चों को बड़ा होते देखना चाहते हैं जिसको कोई गाली नहीं दे, बिहारी मतलब गाली न हो, तो सही आदमी का चुनाव कीजिए। इसीलिए इतना बड़ा ये अभियान छोड़े हैं और जनता के सहयोग से इसको किया जा सकता है। बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं, व्यवस्था ने हमको आपको बेवकूफ बना दिया है। ये काबिल लोगों की जगह है। गांव देहात में हमको इतना बढ़िया आदमी मिलता है, आधा आधा घंटा समाजवाद पर, गांधी पर पूरा व्याख्यान दे सकता है, कोई पूछने वाला नहीं थे। जितना चोर लंगा लुचा लुफेड़ा बालन जाके बन गलन मंत्री विधायक, तो पूरा देश जाना था कि बिहार में ऐसा लोग बालन सब, तो मैंने ऐसा आदमी के चुन ले बालन। वो बदलने की जरूरत है, इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि प्रयास होखो ना, ठीक बा ना, कुछ गलत नहीं ना कर रहे हैं, तो करने दीजिए प्रयास। और हमारे अकेले करने से नहीं होगा, बिहार के लड़के जगेंगे, बिहार के लोग जगेंगे, तो इस चीज को किया जा सकता है। हमने के तो निमित्त मात्र बानी जा, हम अपना सपना में भी नहीं सोचे होंगे कि किसी दिन बिहार में हमको रोडे रोडे घूमना होगा। ऊपर वाले ने जो भूमिका दी है उसको ईमानदारी से पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं और इसको करेंगे जरूर। एकदम निश्चित है बिहार का भविष्य भी बदलेगा ही बदलेगा, आज नहीं तो कल किसी के प्रयास से तो बदलना ही है, इसीलिए ये कर रहे हैं। अब रात ढेर हो गई बा, अब हम आगे जाए, हमारा और जाए 3 किलोमीटर अभी और।